अच्छा, आपके चेहरे की स्माइल भी बता रही है कि मतलब आप काफी खुश है जी। अगर आपको वहाँ से कुछ आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? जी वो आ सकता है, जो कुछ सीखना हो तो उसको। चलिए, जिस स्माइल से आप बोल रहे हैं उसी स्माइल से वो आने के बाद, सीखने के बाद जा सकता है? जी जी, उससे ज्यादा स्माइल आएगा। अच्छा, आपसे ज्यादा स्माइल करेगा? जी सर। ऐसा क्यों? सीख के जाएगा तो स्माइल आएगी ना सर अच्छी सी। चलिए ठीक है, थैंक यू। हैदराबाद से? हैदराबाद से हैं आप, क्या कर रहे हैं अभी आप? वीवो का ब्लैक पेस्टेड का सीपीयू और ईएमएमजी दो निकाला, अभी रिवॉल्विंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, वीवो का ब्लैक पेस्टेड निकाले हैं और सीपीयू आप रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके पहले आपने ईएमएमजी भी निकाल रखा है देख रहा हूँ मैं। हाँ, ईएमएमजी निकाले हैं, यहाँ रखे साइड में। तो क्या उसमें प्रिंट गया था? नहीं, एक भी प्रिंट। अच्छा, प्रेस भी कर दिया है, एक भी बॉल नहीं गया, एनसी तक नहीं गया? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ये होता है एक्सपीरियंस। तो अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम किए थे? नहीं किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे। तो अभी आपको आईसी पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आईसी की बात करें या फिर ब्लैक पेस्टेड की बात करें या फिर नॉर्मल की बात करें तो फिर कैसा लग रहा है? सब इजी है सर। सब इजी है? तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है? एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर ऑलरेडी आपने किसी फोन का ब्लैक पेस्टेड निकाल के रखा हुआ है ईएमएमसी? जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको कोई दिक्कत जा रही है क्या ब्लैक पेस्टेड में? नहीं सर, बहुत आसानी से निकल जाता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से हैं सर। नेपाल से अगर कोई आना चाहे? बिल्कुल आ सकते हैं। उसको आप भरोसा दे सकते हैं क्या कि आप जाइए बिंदास सीख के आइए वहाँ से? आप लोग हमारा नंबर दीजिए, फोन करके पूछ लेंगे। अच्छा, आपका नंबर दे दिया जाए कि आप उनको फीडबैक देंगे कि यहाँ पे कैसा सिखाया जाता है? जी सर। आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? नेपाल से कोई आना जाने सीखने जाने का तो इधर आने का कोई लो लेवल में मोबाइल? ऐसा तो नहीं है कि मतलब नेपाल से इतने दूर से आए और यहाँ पे काम ना सीख पाए? नहीं, सब बहुत कुछ मिलता है इधर। यहाँ पे टीचर्स का नॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछते हो तो कोई टीचर आपको डांट देता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, एक बार बताएंगे या दो बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे? जितने बार पूछे उतने बार बताएगा। ऐसा है मतलब जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताएंगे? आपका डाउट होता ना, पूछ सकता है, कितने बार पूछ सकते हैं वैसे। अच्छा, एक बात बताइए, क्लिनिक प्रोसेस में बहुत से लोगों को दिक्कत जाती है, तो अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ऐसी बताई गई है सर कि इजी निकल जाता है। ट्रिक बताया गया है कि मतलब आप नॉर्मली आईसी निकाल सकते हैं? जी सर। बस निकाल ही सकते हैं, अभी लगा भी सकते हैं? लगा भी सकते हैं रिवॉल्व। अच्छा, एक बात बताइए, आपने 4G सीपीयू आपने निकाल के रिवॉल्व करके चालू किया था फोन? जी सर, किया था। चालू फोन का आपने किया था? जी सर, जी सर। चलिए ठीक। चलिए, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर जी। इसके पहले कभी आप आईसी पे काम किए थे? कभी नहीं सर जी। कभी नहीं किए थे? जी सर। अच्छा, अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? आँख मीच के आए। आँख मीच के आए? अगर अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो जरूर आए। अच्छा, अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ पे बस ऐसे थ्योरिकल दे दिया जाता है, थ्योरी बता दिया जाता है? नहीं, पहले बताया जाता है फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं माइक्रो जंपनिंग बहुत कठिन होता है और ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना बहुत हार्ड होता है। बात करें ओप्पो की, वीवो की, रियलमी की, वन प्लस की, इन सब चीज़ों का क्या आपको लग रहा है कि अभी इस टाइम पे आप कोई भी फोन का ब्लैक पेस्टेड आईसी? ओप्पो का ही निकाला मैंने। अभी आपने ओप्पो का निकाला था? हाँ सर। तो दोनों निकाले, सीपीयू और सीपीयू एमएमसी दोनों निकाला आपने? हाँ। अच्छा, उसमें से आपका एक प्रिंट चला गया, आप उसका माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं? माइक्रो जंपरिंग कर रहा है। तो एक बार बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, परफेक्ट है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो भी आपके फोन के फॉल्ट थे वो डायग्नोस्ट करवाए गए आपने? हाँ बिल्कुल करवाए। सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपने समझा उसको? बिल्कुल समझा सर। चलिए ठीक है, अगर कोई राजस्थान से आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? आ सकता है सीखने के लिए, अगर व्यवस्थित सीखना हो तो ऐसे टेलीकॉम आए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं सर मुंबई से हूँ। मुंबई से? अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आप ये पहले बोर्ड पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, दूसरे बोर्ड पे। आपने क्या निकाल रखा है अभी? अभी तो सीपीयू तो एमएमसी निकाल के रखा है। एमएमसी आप निकाल के रखे हैं और अभी आप सीपीयू भी काम कर रहे हैं? जी सर। तो अच्छा, एक बात बताइए कि ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनके लिए? बस सर सीख जाएंगे। अच्छा, बस आप बस आईसी निकाल रहे हैं या फिर यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल ये सारा चीज बताया जा रहा है? पहले थ्योरी होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी होता है, अभी लोग सीख रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल भी आप ही लोग कर रहे हैं? जी सर। चलिए ठीक है, जैसा कि मतलब सर बता रहे हैं आपको प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग, सब जो भी चीजें हैं आपको जो क्लास दी जा रही है थ्योरिकल प्रैक्टिकली, वो चीज कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है? 100% कराया जा रहा है सर। उसमें आईसी निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, नहीं आएगी। नहीं नहीं, ब्लैक पेस्टेड कौन सा भी रेट निकाल लेंगे बिंदास। सबसे पहले आपने नॉर्मल निकाला, अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आप? सर अच्छा लग रहा है। कोई प्रिंट जा रहा है आपसे? नहीं सर, जा रहे तो भी माइक्रो जंपरिंग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, एनसी प्रिंट आपके निकल रहे हैं? हाँ सर, एनसी निकल, एनसी निकल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एनसी के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लाइन हो, हाँ, एनसी की जगह कोई लाइन का हो, तो वो अगर प्रिंट निकल जाता तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? माइक्रो जंपरिंग करेंगे ना? माइक्रो जंपरिंग आपको बताई गई है? अच्छे, हाँ, सर अच्छे से। चलिए ठीक सर, अभी सर एक सीपीयू और एमएमसी दोनों निकले और
एमएमसी और निकाला। अच्छा, अभी आपने दूसरे बोर्ड पे सीपी और एमएमसी निकाल के रिवॉल्व वगैरह करके आपने रखा है, तो ये जो कुछ प्रिंट्स गए हैं वो क्या है? मतलब सर एनसी है, सर एनसी है। इसके अंदर से गए, ये एमएमसी से गए और सीपीयू से एक भी प्रिंट नहीं गए, एमएमसी से गए वो एनसी वाले। अपने टोटल यानी कि एमएमसी बाहर निकाला जिसमें ब्लैक पेस्टेड जो आती है साथ में। अच्छा, उसको वापस फिर प्रोग्राम करके वापस पेस्ट करना। यहाँ पे आपको थ्योरिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें बताई जा रही है, बिल्कुल साथ के साथ आपको ब्लैक पेस्टेड भी काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं क्या? ब्लैक पेस्टेड निकाल के सर वापस लगा दिया है। अच्छा, अभी इसको वापस सीपीयू उखाड़ रहे हैं। अभी आप इसका सीपीयू निकालने जा रहे हैं, तो आपने जो अभी एमएमसी निकाला था तो उसमें क्या आपका कोई प्रिंट गया था क्या? हाँ, एनसी प्रिंट जो थे वो चले गए थे। अच्छा, एनसी प्रिंट चले गए थे। जी हाँ। चलिए ठीक है, भाई जब अगर एनसी की जगह पे कोई लाइन ब्रेक हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप? माइक्रो जंपर मारेंगे। माइक्रो जंपरिंग आपने किया था? जी हाँ। आपको बताया गया है? जी हाँ, प्रोसेस भी कर दिया है। एक भी बॉल नहीं गया, एनसी तक नहीं गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये होता है एक्सपीरियंस। तो अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम किए थे? नहीं किए थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किए थे। तो अभी आपको आईसी पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आईसी की बात करें या फिर ब्लैक पेस्टेड की बात करें या फिर नॉर्मल की बात करें तो फिर कैसा लग रहा है? सब इजी है सर, सब इजी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है? एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर ये बताया गया है कि आपका मतलब ये लाइन काम का है और ये एनसी है और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास डायग्राम ना हो तो आप उसको पता कर पाएंगे कि नहीं कि ये लाइन है कि नहीं है? नहीं पता कर पाएंगे, वो भी उसका आपको ट्रिक बताया गया कि कैसे पता चलेगा कि लाइन है कि नहीं है? जी सर, बताया गया है। बताया गया है। तो समझ में आ रहा है अभी? जी सर आया। अभी तक का जो बात करें हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, अभी आपका ये एमएमसी का चौथा दिन चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि एमएमसी में आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई? नहीं सर, जो बताया पूरा समझ में आया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर राजकुमार भट्टाचार्य जी। राजकुमार भट्टाचार्य कहाँ से हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, तो क्या कर रहे हैं अभी आप? सर अभी आईसी रिवॉल्विंग कर रहे हैं। रिवॉल्विंग कर रहे हैं? जी सर, ब्लैक पेस्टेड आईसी। ब्लैक पेस्टेड? जी सर। तो आज ब्लैक पेस्टेड करते आपको कितना टाइम हो गया? आज सर आज दो दिन से। दो दिन से। आज कौन सा दिन है आपका एमएमसी का? एमएमसी का तीसरा दिन से। तीसरा दिन है, तो अभी ब्लैक पेस्टेड करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? नहीं सर। नहीं आ रही है? नहीं सर। तो जरा दिखाइए और दिखाइए। प्रिंट गए हैं क्या आपके? नहीं सर। एक भी प्रिंट नहीं गया? नहीं सर। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। इसके पहले कभी आप आईसी पे काम किए थे? सर आईसी तो क्या, मैं इस लाइन में ही था? नहीं थे इस लाइन में? नहीं थे आप? नहीं। तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं तीसरे चौथे दिन में? जी सर। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? सर निखिल, मेरा नाम निखिल। नाम है आपका? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर एमएमसी निकाल के रिवॉल्व कर रहे हैं। एमएमसी निकाल रहे हैं? पेस्टेड है या नॉन पेस्टेड है? पेस्टेड है, दोनों पेस्टेड है। सीपी दोनों पेस्टेड थे, दोनों निकाल। तो आपने निकाला, दिखाई जरा आईसी दिखाइए अपना। लेनिंग भी कर लिया आपने? रिवॉल्व कर दिया। रिवॉल्व भी कर दिया आपने। और बोर्ड दिखाइए जरा। अभी क्लीनिंग में या फिर ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत जा रही है क्या आपको? नहीं सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी शंभु कुमार। कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड। ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं? जी सर। तो अभी आपने क्या निकाल रखा है? सीपीयू। सीपीयू डुअल लेजर। तो जरा दिखाइए पीसीबी। दिखाइए पीसीबी। आपने क्लीन कर लिया? जी सर। प्रिंट गए हैं क्या इसके? वो एनसी प्रिंट गए हैं सर। एनसी गए हैं? तो अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम किए थे? नहीं सर। तो अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम नहीं किए थे, अभी डायरेक्ट आप ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम कर रहे हैं? जी सर। तो कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर करमजीत। करमजीत जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने आईसी निकाल कर रिवॉल्व किया। अभी पेस्टेड था या नॉन पेस्टेड? पेस्टेड सर। तो अभी आपको निकालने में, ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम। अभी आपको कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड पर काम करके? तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया।
बोर्ड में। चलिए आगे करिए। क्या नाम है आपका? मैं सर जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह सर। जोगिंदर सिंह जी कहाँ से हैं आप? मैं सर झारखंड जमशेदपुर से। झारखंड से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी ये आपका एमएमसी निकाल रहा सर, ब्लैक पेस्टेड निकाला, अभी रिवॉल्व किया। ब्लैक पेस्टेड था जी सर। ऐसा देखने से तो नहीं लग रहा है ब्लैक पेस्टेड था। ये सीपीयू देखिएगा तो पता चल जाएगा सीपीयू। अच्छा, आपने इसी फोन का निकाला था सर। तो अभी आपका कोई प्रिंट गया है क्या? प्रिंट सर एनसी प्रिंट जो था वो गया सर। एनसी प्रिंट गया है जी सर। तो इसके पहले आप कभी आईसी पे काम किए थे? नहीं सर, इससे पहले कभी आईसी पे काम नहीं किया सर। अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम नहीं किए थे और आप पहले आप नॉर्मल आईसी निकाले थे? नॉर्मल सर आईसी में काम ही नहीं किया पहले, नॉर्मल किसी भी आईसी नहीं। स्टार्टिंग में आपने नॉर्मल पीसीबी पे काम किया था, अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? अभी सर ब्लैक पेस्टेड। तो आपने बस ईएमएमसी निकाला या सीपीयू भी निकाला था आपने? इससे पहले कल मैंने सीपीयू और ईएमएमसी दोनों निकाला था। पेस्टेड था या नॉन पेस्टेड? पेस्टेड था सर, दोनों ब्लैक। अभी कोई पेस्टेड पे काम करने में कोई इशू आ रहा है? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है सर। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। चलिए बढ़िया। क्या नाम है आपका? नितेश। नितेश कहाँ से हैं आप? राजस्थान से सर। राजस्थान से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी ईएमसी निकाला, अभी पेस्टेड। ईएमसी निकाला आपने पेस्टेड? उसका एक डाटा का लाइन था वो कट हो गया था। अच्छा, उसमें माइक्रो जंपर कर रहा हूँ। तो आपसे एक प्रिंट निकल गया था जो आप उस पर माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह जी कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से हैं जी सर। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं एमसी निकाल के रिवॉल्विंग में पे रखा हूँ। एमएमसी निकाल के आप रिवॉल्विंग कर लिया, आपने क्लीनिंग प्रोसेस भी कर लिया जी सर। ठीक है, और जरा बोर्ड दिखाइए। बोर्ड में जो आपके प्रिंट निकले हुए हैं वो प्रिंट हैं या फिर नॉर्मल एनसी है? एनसी निकले हैं। एनसी निकले हैं जी सर। अगर आपसे कोई प्रिंट निकल जाए तो माइक्रो जंपर कर लेंगे। माइक्रो जंपरिंग आपको बताई गई है जी सर? कर लेंगे जी सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर नेपाल से कोई आना चाहे तो? नेपाल से आना चाहे तो सीधा यहाँ एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, दूसरा इंस्टीट्यूट मत जाओ, दूसरा इंस्टीट्यूट पर जाने के बाद में फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। चलिए ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कभी आईसी पे काम करते थे आप? सर माइक्रो जंपर क्या है, ये रिवॉल्विंग क्या है, हमको खुद माइक्रो जंपरिंग भी आप कर चुके हैं? हाँ जी कर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर कृष्णपाल सिंह राठौड़। कृष्णपाल जी कहाँ से हैं आप? सर राजस्थान। राजस्थान से हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर ये सीपीयू निकाल के उसको रिबोल कर रहा हूँ। सीपीयू नॉर्मल है या ब्लैक पेस्टेड या व्हाइट पेस्टेड? ब्लैक पेस्टेड है सर। ब्लैक पेस्टेड है सर। तो जरा दिखाइए अपना बोर्ड दिखाइए। आपने इसका ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाला है और ईएमएमसी भी देख रहा हूँ मैं, निकाला है आपने। तो जो प्रिंट इसमें गए हुए हैं कौन से? एनसी है या सर? एनसी है और सर एक प्रिंट निकला वो माइक्रो जंपिंग कर देंगे उसको। एक प्रिंट निकल गया है सर, आप उसका माइक्रो जंपिंग कर लेंगे? माइक्रो जंपिंग। माइक्रो जंपिंग आपको बताई गई है? हाँ सर बताई गई है। चलिए ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा सर। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? सर जरूर जरूर, जिसको सीखना है जो जरूर आए, जिसको सीखना है वो जरूर आए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद। थोड़ा तेज बोलिए। रईस अहमद। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं आप। क्या कर रहे हैं अभी आप? वीवो का ब्लैक पेस्टेड का सीपीयू और ईएमएमसी दो निकाला, अभी रिवॉल्विंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, वीवो का ब्लैक पेस्टेड निकाले हैं और सीपीयू आप रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले आपने ईएमएमसी भी निकाल रखा है देख रहा हूँ मैं जाकर। हाँ ईएमएमसी निकाले हैं, यहाँ रखे साइड में। तो क्या उसमें प्रिंट गया था? नहीं, एक भी प्रिंट। अच्छा, बात करें वीवो का, ओप्पो का या किसी भी फोन का ब्लैक पेस्टेड हो तो उसको निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? अभी नहीं आएगी सर। अभी नहीं आएगी? कोई दिक्कत? आपको बताया गया है? हाँ, स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको बताया गया है वो समझ में आया सर? हाँ सर आया है, बहुत अच्छे से समझ। चलिए बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? बिल्कुल आ सकता है सर, 100% काम सीखने वाला। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उसका? नहीं नहीं जाएगा सर। ये आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ और मेरे को आज पूरा लाइव करके दिखाया गया। मेरा एक डेड मोबाइल था वो भी हुआ आज। अच्छा, लाइव भी करके दिखाया जाता है यहाँ? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शफीकुल शेख। शफीकुल जी थोड़ा तेज बोलिए। शफीकुल शेख सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं आप। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी ईएमएमसी निकाला, निकाल के रिवॉल्व किया। ईएमएमसी निकाला है आपने? हाँ। दिखाइए जरा। इसका क्लीनिंग प्रोसेस भी कर लिया आपने? लगता है आपने रिवॉल्व भी कर दिया है। रिवॉल्व किया। चलिए, अगर आपको बोला जाए ओप्पो का या वीवो का या कोई सा भी फ़ोन का ब्लैक पेस्टेड दे दिया जाए आपको निकालने के लिए, तो क्या उसको आप सेफ्टी निकाल लेंगे? निकाल लेंगे।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताया गया आपको स्टेप बाय स्टेप? स्टेप बाय स्टेप बताया। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसके लिए? जरूर आ सकता है। जरूर आ सकता है। काम सीखना है तो एशिया टेलीकॉम में आ सकता है। अच्छे से काम सीखना है तो एशिया टेलीकॉम ही आना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मदन है मैडम। क्या? मदन। मदन मदन जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान सर। राजस्थान से हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी सर एक सीपीयू और एमएमसी दोनों निकले और अब एमएमसी और निकालना। अच्छा, अभी आपने दूसरे बोर्ड पे सीपीयू और एमएमसी निकाल के सर रिबॉल वगैरह करके आपने रखा है, तो ये जो कुछ प्रिंट गया है वो क्या है? मतलब सर एनसी है सर। एनसी है? इसके अंदर से गए, ये एमएमसी से गए और सीपीयू से एक भी प्रिंट नहीं गया, एमएमसी से गए वो एनसी वाले। अच्छा, तो अगर एक बात बताइए, अगर आपको इसके जगह पे कोई और बोर्ड दे दिया जाए, ओप्पो का हो या वीवो का हो, तो क्या उसका निकाल लेंगे? हाँ सर, कोई भी निकाल देंगे। कोई भी निकाल लेंगे। आपको बताया गया है? ये भी सर ऑलरेडी सोनी का बोर्ड है। अच्छा, सोनी का। सोनी का पेस्टर। तो अभी किसी भी फोन का आप ब्लैक पेस्टर निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आपसे कोई प्रिंट निकल जाए बाहर तो आप माइक्रो जम्पर कर सकते हैं? माइक्रो जम्परिंग कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब अभी आपको कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टर पे काम करके? चलिए, बाकी सारी चीज़ें आपको बताई गई है स्टेप बाय स्टेप में, कितना हीट रखना है, कितना आपको एयर रखना है, सारी चीज़ें बताई गई है वो सब। चलिए ठीक है, अभी आपको इसीलिए काम हो रहा सर, सब इसीलिए काम हो रहा है। यानी आप एक बोर्ड पे काम कर चुके हैं और आप दूसरे बोर्ड पे काम करने जा रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया। आपके वहाँ से अगर कोई एशिया टेलीकॉम में आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आ सकता। आ सकता है? पैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे? पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे और सीखने का अगर हुनर हो तो आ सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? संदीप वाधवानी। संदीप जी, कहाँ से हैं आप? मैं उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से हैं। तो अभी आपका हार्डवेयर खत्म हो चुका है, सॉफ्टवेयर खत्म हो चुका है और ईएमएमसी का आपका कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तो अभी आपने क्या क्या सीख लिया ईएमएमसी में? आपने ईएमएमसी में टोटल यानी कि ईएमसी बाहर निकाला जिसमें ब्लैक पेस्टेड जो आती है साथ में। अच्छा, उसको वापस फिर प्रोग्राम करके वापस पेस्ट करना। यहाँ पे आपको थ्योरिकल प्रैक्टिकल सारी चीजें बताई जा रही है? बिल्कुल। साथ के साथ आपको ब्लैक पेस्टेड भी काम करवाया जा रहा है? जी हाँ। ठीक है, तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं क्या? ब्लैक पेस्टेड निकाल के सर वापस लगा दिया है। अच्छा, अभी इसको वापस सीपीयू उखाड़ रहे हैं। अभी आप इसका सीपीयू निकालने जा रहे हैं? तो आपने जो अभी एमएमसी निकाला था तो उसमें क्या आपका कोई प्रिंट गया था क्या? हाँ, एनसी प्रिंट जो थे वो चले गए थे। अच्छा, एनसी प्रिंट चले गए थे? जी हाँ। चलिए ठीक है, भाई जब अगर एनसी की जगह पे कोई लाइन ब्रेक हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप? माइक्रो जम्पर मारेंगे। माइक्रो जम्परिंग आपने किया था? जी हाँ। आपको बताया गया है? जी हाँ, पूरा समझाया गया। पूरा समझाया गया है। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, आना चाहिए। अगर सीखने की इच्छा है तो जरूर आना चाहिए। सीखने की इच्छा है तो आ सकता है? जी। और यहाँ पे क्या मतलब ऐसे ही कोई भी आ सकता है क्या? हाँ, कोई भी आ सकता है। ऐसे कोई भी आ सकता है मतलब कि मेहनत ना करने वाला हो? नहीं सर, उस टाइप का तो आने का मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है उस टाइप का? कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई आया 10-12 बजे सो के उठे आराम से कॉलेज क्लास में आए तो मतलब ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, टाइमिंग का कोई? टाइमिंग से तो बहुत ज्यादा पंचुअलिटी यहाँ पे थी। टाइमिंग का पंचुअलिटी, यहाँ के रूल रेगुलेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया है सर। रूल्स रेगुलेशन बहुत बढ़िया है ताकि टाइम से हमारा जो सारा काम है वो सीखते जाते हैं। टाइम वाइज सब चलता है। एक दिन भी अगर छुट्टी हो जाए तो आगे का पूरा गया। ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर आता है 9 बजे और आपको बुलाया जाता है 8 बजे और टीचर आते हैं 9:30 बजे? नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर कैमरे पे बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। आता हूं डेली तक ही बोलता हूं। अच्छा चलिए ठीक है। कैसा रहा आपका अभी तक का? कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा जी। तो आपका क्या क्या खत्म हो चुका है? सब कुछ लगभग खत्म होना है, खाली एमएमसी और उसका चल रहा है। एमएमसी चल रहा है मतलब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी चालू है? जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो? बिल्कुल आना चाहिए सर, इच्छा है तो जरूर आना चाहिए। इस हार्डवेयर फील्ड में कुछ करना चाहता है, रिपेयरिंग फील्ड में, तो जरूर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ से है? उड़ीसा। उड़ीसा से। अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्ट वीवो 95 का निकल रहा हूँ। वीवो 95 का ब्लैक पेस्टेड क्या निकाला आपने? सीपीयू। सीपीयू उतारा आपने, जरा दिखाइए। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कितने प्रिंट गए हैं इसमें से? एनसी गया, एक प्रिंट गया बस फोन में। अच्छा, एनसी का बस एक प्रिंट गया? हाँ। तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा आपको? नहीं सही। तो बाकी आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल आईसी पे काम करते हैं वैसे हमको लगता है कि आप इस पे ब्लैक पेस्टेड पे भी काम कर ले रहे हैं? काम कर लेंगे, धीरे धीरे लगने में सब हो जाएगा। अच्छा, कैसा रहा अभी तक का सफ़र आपका? बढ़िया। बढ़िया जी। तो कोई कठिनाई तो नहीं लग रही? ओप्पो का लोग कहते हैं कि ओप्पो का हो ये होता है हार्ड होता है, वीवो का हार्ड होता है, तो अभी आपको निकालने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर सही है। जो आपको ट्रिक बताया गया है बढ़िया ट्रिक है। बढ़िया ट्रिक है। आपको हीट एयर कब ग्लू पे काटना है, कब आईसी क्लीन करना है,
कितने हीट पे आपको आईसी निकालना है, ये सारी चीजें बताई गई है। सिस्टमेटिक काम करना है तो कोई भी ट्रैक नहीं उखड़ेगा। अच्छा, सिस्टमेटिक आप काम करेंगे तो कोई भी ट्रैक नहीं होगा। अगर बाय द वे अगर आपका कोई ट्रैक निकल जाता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? माइक्रो जंपर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब फोन में आईसी लगा के पकड़ा देंगे कस्टमर? नहीं नहीं नहीं, माइक्रो जंपर कर लेंगे हम। माइक्रो जंपरिंग कर लेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कादिर। कादिर जी कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड बोर्ड से आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगा दिए। ब्लैक पेस्टेड से आप आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगा दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं। आपने क्लीनिंग प्रोसेस भी कर दिया है, इसमें बॉल नहीं गया है। एक भी बॉल नहीं गया, एनसी तक नहीं गया है? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ये होता है एक्सपीरियंस। तो अभी आप इसके पहले कभी आईसी पे काम किए थे? नहीं किए थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किए थे। तो अभी आपको आईसी पे काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आईसी की बात करें या फिर ब्लैक पेस्टेड की बात करें या फिर नॉर्मल की बात करें तो फिर कैसा लग रहा है? सब इजी है सर। सब इजी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है? एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप बिल्कुल क्या बोलेंगे? बिल्कुल आ सकता है सर। आ सकता है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा वेस्ट जाएगा? वेस्ट नहीं जाएगा, 100% सीख के जाएगा। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया का टेलीकॉम इंडिया नंबर वन इंस्टीट्यूट। अच्छा, यहाँ पे आग बंद करके आया जा सकता है? आग बंद करके आए। चलिए ओके इंफिनिक्स। वो फाइल का इशू था जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा था कि तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास में लाइव भी चल रहा है और लड़के अपना काम भी कर रहे हैं और ये किसी स्टूडेंट का ही फोन था। किसका फोन है ये? सर मेरा। बताइए उनको क्या दिक्कत था इसमें? सर इसमें फ्लैशिंग के वक्त डेड हो गया था। फ्लैशिंग के वक्त ये डेड हो गया था आपका फोन? तो अभी आप क्या इसके बाद आपने फ्लैशिंग में जब डेड हो गया था तो आप इसके बाद फ्लैशिंग करने की कोशिश किए थे आप? हाँ सर, मैं 3-4 टाइम गणेश जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप अभी क्या कर रहे हैं? अब सीपीयू निकाल के क्लीन कर रहा है। सीपीयू निकाल के क्लीन कर रहे हैं। ये नॉर्मल था या ब्लैक पेस्टेड? ब्लैक पेस्टेड था। ब्लैक पेस्टेड था। एमएमसी निकाला। एमएमसी भी आपने निकाल रखा है? रिवॉल्व करके रख दिया। रिवॉल्व भी करके रखा है आपने, जैसा कि देख सकते हैं ये है इनका एमएमसी जो रिवॉल्व करके रखे। इसमें कोई प्रिंट गया है क्या? नहीं सर। और बोर्ड से? नहीं सर, बोर्ड से दो एनसी निकली सिर्फ। बोर्ड से दो एनसी निकले बस हो गया। तो अच्छा एक बात बताइए, एनसी आपको पता कैसे चला कि ये एनसी निकला है? सर ले आए इसमें देख के डायग्राम। डायग्राम? हाँ, डायग्राम आपको मेरे ख्याल से बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया सर। बताया गया कि मतलब कौन से आईसी में कौन सा एनसी होता है, कौन सा लाइन होता है, कौन सा रैम का बॉल होता है, कौन सा डाटा का लाइन होता है? हाँ सर, सारा बताया गया। हाँ सर। चलिए ठीक है। अभी आपको ब्लैक पेस्टेड काम करने में कोई इशू जा रहा है? नहीं सर। नहीं जा रहा है? हाँ सर। इसके बाद अगर आपको दे दिया जाए ओप्पो वीवो, लोग कहते हैं ओप्पो और वीवो का जो आईसी होता है ब्लैक पेस्टेड वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप नहीं कर पाएंगे ओप्पो या वीवो या वन प्लस हो? कर लेंगे, कर लेंगे हम। चलिए ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। आपका हार्डवेयर खत्म हो गया है, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है, अभी आपका एमएमसी का कौन सा दिन है? आज चौथा दिन है। अच्छा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। क्या कर रहे हैं? अभी एमएमसी निकल दिया, सीपीयू भी निकल दिया। एमएमसी भी आपने निकाल दिया, सीपीयू भी निकाल दिया है, ये क्या नॉर्मल था या ब्लैक पेस्टेड? ब्लैक पेस्टेड। तो ब्लैक पेस्टेड है तो सर ने जैसा जैसा आपको हीट बताया होगा, एयर कितना रखना है, हीट कितना रखना है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं या अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सर के हिसाब से? सर के हिसाब से। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो अगर कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो क्या करे? जरूर होना चाहिए। उसको सोचना चाहिए या फिर ऐसे ही मतलब बिल्कुल डायरेक्ट? बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट। यहाँ पे बात करें टीचर्स की तो कैसा नॉलेज है? बहुत किस नॉलेज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, जैसा टीचर समझाते हैं यहाँ पे समझ में आता है? समझ में आता है। बात करें आपको ओप्पो का, वीवो का या फिर आप जो कर रहे हैं कौन सा बोर्ड है ये? चलिए ऐसा नहीं पता चलेगा बोर्ड का, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता है क्या कि ओप्पो का हो या वीवो का हो तो कोई आपको वो कठिनाई होगी उसको निकालने में? निकालने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी? स्टेप बाय स्टेप जैसा भी है फोन का सारा हीट एयर किस क्यों मतलब निकालना कैसे आपको सारी चीजें बताएंगे? सारी चीजें बताएं। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनके लिए? जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। शिव रतन जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चल रहा है? वे ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं सर। ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं? जी सर। अच्छा, अभी ब्लैक पेस्टेड निकालने में आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं आ रही है, देखिए निकाल कर रखे। अच्छा, ऑलरेडी आपने किसी फोन का ब्लैक पेस्टेड निकाल कर रखा हुआ है? ईएमएमसी
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको कोई दिक्कत जा रही है क्या ब्लैक पेस्टेड में? नहीं सर, बहुत आसानी से निकल जाता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से हैं सर। नेपाल से अगर कोई आना चाहे? बिल्कुल आ सकते हैं। उसको आप भरोसा दे सकते हैं क्या कि आप जाइए बिंदास सीख के आइए वहाँ से? आप लोग हमारा नंबर दीजिए, फोन करके पूछ लेंगे। अच्छा, आपका नंबर दे दिया जाए कि आप उनको फीडबैक देंगे कि यहाँ पे कैसा सिखाया जाता है? जी सर, बहुत अच्छा है। अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको हीट एयर सारी चीजें बताई गई है? सर पूरा ट्रिक बताई गई है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय जी कहाँ से हैं? मुंबई से सर। मुंबई से? हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर एएमसी निकाल रहे, एक का निकाल के रखा, दूसरा निकाल रहे। अच्छा, एक का आपने निकाल रखा है? हाँ। अच्छा, तो जैसा कि देख सकते हैं हम, जहाँ तक लग रहा है कि ये मोटोरोला का बोर्ड है। हाँ। तो लोग कहते हैं ओप्पो का हो, वीवो का हो, वन प्लस का हो, या फिर कोई सा भी ब्रांड का बोर्ड हो, ब्लैक पेस्टेड कोई सा भी पेस्टेड बोर्ड का हो, उसमें आईसी निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर, नहीं आएगी। नहीं नहीं, ब्लैक पेस्टेड कौन सा भी रेट निकाल लेंगे बिंदास। सबसे पहले आपने नॉर्मल निकाला, अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? सर अच्छा लग रहा है। कोई प्रिंट जा रहा है आपसे? नहीं सर, जा रहे तो भी माइक्रो जंपरिंग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, एनसी प्रिंट आपके निकल रहे हैं? हाँ सर एनसी निकल रहे हैं। एनसी निकल जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एनसी के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लाइन हो, हाँ, एनसी की जगह कोई लाइन का हो, तो वो अगर प्रिंट निकल जाता तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? माइक्रो जंपरिंग करेंगे ना। माइक्रो जंपरिंग आपको बताई गई है? अच्छे, हाँ, सर अच्छे से। चलिए ठीक है, वैसे तो आपसे प्रिंट गया है कि नहीं गया प्रिंट? हाँ सर ऐसे तो गया, एक दो। एक दो गया? एनसी है वो। एनसी है, हाँ। चलिए ठीक है, अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? सर आना चाहिए, जिसको सीखना है सर, उसको सीखने की इच्छा है तो इसको जरूर आना चाहिए एक बार तो यहाँ पे। अभी आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है। थोड़ा तेज बोलिए सर। कुणाल नाम है सर। कुणाल नाम है, कहाँ से हैं आप? झारखंड से सर। झारखंड से सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं। ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं? जी सर। ये इसका एएमसी है। आपने इसका ईएमएमसी भी निकाल रखा है, आप इसकी क्लीनिंग प्रोसेस करते हुए जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, सीपीयू भी निकालने वाले हैं आप। जी सर। तो ऐसा बताइए कि कोई दिक्कत आ रही है क्या ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में? एकदम है सर। यहाँ पे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनके लिए? बस सर सीख जाएंगे। अच्छा, बस आप बस आईसी निकाल रहे हैं या फिर यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकली सारा चीज बताया जा रहा है आपको? पहले थ्योरी होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी होता है, अभी लोग सीख रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल भी आप ही लोग कर रहे हैं? जी सर। चलिए ठीक है, जैसा कि मतलब सर बता रहे हैं आपको, प्रोग्रामिंग अनलॉकिंग में सब जो भी चीज़ें हैं आपको जो क्लास दी जा रही है थ्योरिकल प्रैक्टिकली वो चीज़ कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है, 100% कराया जा रहा है सर। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? सर एकदम आए सीख के जाए सर। कहीं उसका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर एकदम। लूटते तो नहीं है यहाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोला जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या दबा नहीं है क्या? तो अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? एकदम बिंदास आ सकता है। आ सकते हैं बिंदास? यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी आए सीख सकता है कि नहीं? एकदम सर। यहाँ पे कौन सीख सकता है? सर जो मेहनती है, जो मेहनत कर सकता है वही सीख सकता है, वही सीख सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि टीचर आए 11 बजे और आपको बुला लिया 10 बजे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग सारे टीचर ही पहले आते हैं। अच्छा, टीचर से टीचर पहले आ जाते हैं? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक का कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा रहा सर। बात करें हार्डवेयर की, बात करें सॉफ्टवेयर की, बात करें अभी आपकी एमएमसी की क्लास चल रही है, साथ के साथ थ्योरी चल रहा है, आप प्रैक्टिकल भी आप कर ही रहे हैं? जी सर। चलिए, अभी आपको ठीक लग रहा है? जी सर। आपको ऐसा लगता है कि आप सीख जाएंगे? सीख गए सर। सीख गए? जी सर। आपका पैसा क्या वसूल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हां सर हो जाएगा। हो जाएगा? हां सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी क्या कर रहे हैं अभी आप? यही सर ब्लैक पेस्टेड में काम कर रहे हैं। ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, कौन सा फोन है जरा बताइए? ये सर मेरा नोट 9 प्रो मैक्स है। नोट 9 प्रो मैक्स है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ओप्पो का, वीवो का, वन प्लस का, ये सब जो भी फोन होते हैं इनका पेस्टेड हार्ड होता है, तो क्या मतलब ऐसा लग रहा है क्या अभी आपको? नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, सारा स्टेप वही है। जी सर सारा स्टेप वही है। स्टेप अच्छा, कोई प्रिंट गया क्या आपका? नहीं सर कोई प्रिंट नहीं गया। दिखाइए जरा बोर्ड में, दिखाइए, कोई प्रिंट नहीं गया। आपने सीपीयू भी उतार लिया इसका? जी सर। अच्छा, क्लीनिंग भी कर लिया आपने? जी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक पेस्टेड पे कोई सा भी बोर्ड हो आप काम कर पाएंगे? सर कोई भी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आप क्या बोलेंगे उनको? बेझिझक आ सकता है। बेझिझक आ सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू है। राजू जी कहाँ से हैं? मैं सर मुंबई से हूँ। मुंबई से? अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं।
अभी आप ये पहले बोर्ड पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, दूसरे बोर्ड पे। आपने क्या निकाल रखा है अभी? ओ अभी तो सीपीयू तो एमएमसी निकाल के रखा है। एमएमसी आप निकाल के रखे हैं और अभी आप सीपीयू भी काम कर रहे हैं? जी सर। तो अच्छा एक बात बताइए कि ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पे कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, क्लीनिंग प्रोसेस कैसे करना है, सारी चीज आपको बताई गई है स्टेप बाय स्टेप? जी सर। अभी आपका क्या चल रहा है, कौन सा क्लास चल रहा है अभी आपका? सर अभी एमएमसी का। एमएमसी का क्लास चल रहा है, थ्योरिकल आपको बताया जा रहा है सारी चीजें? जी सर। स्टेप बाय स्टेप? जी सर। और आपको कॉपी में फेयर करवाया जा रहा है? जी सर, लिखाया गया हुआ है कि कितने क्या करना है, कितने नहीं करना है। तो अभी आपको बस फेयर मतलब बस आपको थ्योरिकल बताया जा रहा है या प्रैक्टिकली भी कुछ बताया जा रहा है? सर दोनों साथ साथ में। दोनों साथ साथ में? जी सर। तो मतलब जो भी चीजें आपको थ्योरिकल बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार तामंग सर। कुमार जी कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से। नेपाल से? जी सर। इतने दूर नेपाल से आप यहाँ आए? जी सर। इसका कुछ रीज़न? इसका रीज़न ये एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसलिए इधर आया। अच्छा पढ़ाता है, आपने सुना भी है या देखा भी? मैं यूट्यूब में देखा है, रिव्यू भी देखा है, फॉलो किया है, दो साल से अभी इधर आया इसलिए। अच्छा तो अभी आपने जो यूट्यूब पे देखा था और यहाँ पे देख रहे हैं तो उसमें कुछ अंतर? अंतर नहीं, सब कुछ सेम सेम है, लाइव में जैसे देखा वैसे। अच्छा बच्चे जो फीडबैक देते हैं? जी सर। क्या वो सही देते हैं या गलत देते हैं? सही देते हैं एकदम। सही देते हैं? अभी आप भी फीडबैक दे रहे हैं? हाँ सही दे रहे हैं हम लोग। सही दे रहे हैं? सीखा वही दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डरा धमका के कोई फीडबैक ले रहा है? नहीं नहीं सर, खुद ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसे नहीं। चलिए बढ़िया। अभी आपने क्या, आपने कोई आईसी निकाला कि नहीं ब्लैक पेस्टेड? ये एमसी निकाला है अभी और सीपीयू निकालने के प्रोसेस में। एमसी दिखाइए जरा। ये एमसी दे दे। अच्छा जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आपके बोर्ड में कुछ प्रिंट्स गायब हो चुके हैं, तो क्या वो लाइन है या एनसी है? तीन ये है, एक एक एनसी है, दो का एक जंपर मारना है। दो का आपका प्रिंट निकल गया तो आप बाकी उसमें जंपरिंग करेंगे? जी सर। तो जंपरिंग के लिए आपको बताया गया? हाँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई गई है? बताई गई है। कितना आपको जंपर काटना है? जी सर सब बताया है। सारा कौन से एमएम का आपको जंपर वायर उसमें यूज करना है ये चीज बताई गई है? बताइए सर सब बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अगर नेपाल से कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? नेपाल से कोई आना जाने सीखने जाने का, इधर आने का कोई प्रो लेवल में मोबाइल? ऐसा तो नहीं है कि मतलब नेपाल से इतने दूर से आए और यहाँ पे काम ना सीख पाए? नहीं, सब बहुत कुछ मिलता है इधर। यहाँ पे टीचर्स का नॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछते हो तो कोई टीचर आपको डांट देता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, एक बार बताएंगे या दो बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे? जितना बार पूछे उतने बार बताएंगे। ऐसा है मतलब जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताएंगे? आपका डाउट होता ना, पूछ सकता है, कितना बार पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे टीचर्स बताते हैं आपको पूछने की जरूरत नहीं, एक बार पूछेगा डाउट हो गया एक बार में समझ जाएगा सब लोग, एक बार में समझ जाएगा? हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से हैं? एमपी से। एमपी से? जी सर। चलिए अगर इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? सर मैं ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाला हूँ सर, एमएमसी और ये सीपीयू सर। आपने एमएमसी और सीपीयू दोनों निकाल रखा है? सर रिवॉल्व भी कर दिया। रिवॉल्व भी कर दिया आपने? अच्छा एक बात बताइए, क्लीनिंग प्रोसेस में बहुत से लोगों को दिक्कत जाती है, तो अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ऐसी बताई गई सर कि ईजी निकल जाता है। ट्रिक बताया गया है कि मतलब आप नॉर्मली आईसी निकाल सकते हैं? जी सर। बस निकाल ही सकते हैं, अभी लगा भी सकते हैं? लगा भी सकते हैं रिवॉल्व। अच्छा एक बात बताइए, आपने 4G सीपीयू आपने निकाल के रिवॉल्व करके चालू किया था फोन? जी सर किया था। चालू फोन का आपने किया था? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जा रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सर कैलाश प्रजापत। थोड़ा तेज बोलिए। कैलाश प्रजापत। कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप? हाँ जी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर ईएमसी निकाला है और ये रिवॉल्व किया है। ईएमसी निकाल के आपने रिवॉल्व किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार बताइए कोई दिक्कत जा रही है क्या आपको, एमएमसी हो या फिर सीपीयू हो निकालने में या फिर लगाने में या फिर रिवॉल्विंग में? कोई दिक्कत नहीं सर, परफेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए कि जो भी आपके फोन के फॉल्ट थे वो डायग्नोस्ट करवाए गए हैं आपने? हाँ बिल्कुल करवाए। सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपने समझा उसको? बिल्कुल समझा सर। चलिए ठीक है, अगर कोई राजस्थान से आना चाहे तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? आ सकता है सीखने के लिए, अगर व्यवस्थित सीखना हो तो एशिया टेलीकॉम आए। यहाँ पे बस सिखाया जाता है ऐसे ही मतलब तुक्के में या फिर आपको सारी चीजें समझ में भी आती है? समझ में आती है सर। समझ में आती है। यहाँ पे टीचर्स का नॉलेज कैसा है? टीचर्स का नॉलेज बढ़िया है, मिलन सर तो खास कर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करें देव सर की, बात करें दुर्गेश सर की, बात करें मिलन सर की, बिल्कुल सर, तो कैसा है नॉलेज? बिल्कुल बढ़िया नॉलेज है। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती है? बिल्कुल सब सही बताया सर, एकदम ओके। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनको? आ सकता है यार, सीखना हो बढ़िया काम सीखना है तो आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम भरत है। कहाँ से हैं? मुंबई से सर। मुंबई से? हाँ सर, मुंबई से हैं। तो अगर एक बात बताइए कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं ये बताइए। सर माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं। माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं, यानी आपसे कोई प्रिंट निकल गया? हाँ सर, हो गया वो। अच्छा, माइक्रो जंपरिंग भी आपने कर दिया? हाँ सर। अच्छा, माइक्रो जंपरिंग में देखा जाए तो आप, बहुत से लोग बोलते हैं माइक्रो जंपरिंग बहुत कठिन होता है और ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना बहुत हार्ड होता है। बात करें ओप्पो की, वीवो की, रियलमी की, वन प्लस की, इन सब चीज़ों का क्या आपको लग रहा है कि अभी इस टाइम पे आप कोई भी फोन का ब्लैक पेस्टेड आईसी? ओप्पो का ही निकाला मैंने। अभी आपने ओप्पो का निकाला था? हाँ सर। तो दोनों निकाला, सीपीयू और सीपीयू एमएमसी दोनों निकाला आपने? हाँ। अच्छा, उसमें से आपका एक प्रिंट चला गया, आप उसका माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं? माइक्रो जंपरिंग कर रहे हैं। तो एक बार बताइए, चलिए ठीक है, आप ब्लैक पेस्टेड पे बहुत अच्छे से काम कर, 4G सीपीयू पे आपने काम किया था क्या? हाँ सर, किया था ना। तो 4G सीपीयू पे काम किया था आपने, चालू फोन था या बंद था? चालू फोन था। चालू फोन था, फिर फोन चालू हुआ था कि नहीं? हाँ फोन चालू हुआ था ना। फोन चालू हुआ था। और बात करें कि सेक्शन वाइज जब आपका क्लास चल रहा था तो उस सेक्शन में जो भी सेक्शन था उस सेक्शन का फोन आपने बनाया था? हाँ सर बनाया था। कौन सा फोन बनाया था आपने? सर जियो का बनाया था, ओप्पो का बनाया था। क्या दिक्कत थी उसमें? ओप्पो वाले में क्या दिक्कत थी? सर ओप्पो वाले में इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे। ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, जैसा कि आपका ग्राफिक का जो सेक्शन था आपका देव सर के साथ, उसमें -5 +5 नहीं आ रहा था, वो पूरा डायग्नोस करके फिर मैंने। तो आपने वो खुद से बनाया था या फिर किसी ने आपका हेल्प किया? नहीं सर, खुद से बनाया। जो भी मान लीजिए जो आपने किया था उसमें समझ में आया था कि नहीं आया था? हाँ सर आया था। आया था। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बेशक आ सकता है। चलिए, बेशक आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आए और यहाँ पे बैठे और उसका पैसा वेस्ट चला जाए? नहीं सर, पैसा वेस्ट जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं, नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहतास। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम रोहतास। कहाँ से हैं? आगरा से। अच्छा, क्या स्माइल है आपकी। तो रोहतास जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर जी ब्लैक पेस्टेड साफ कर रहे थे। ब्लैक पेस्टेड साफ कर रहे थे जी सर। तो अभी आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? हम रिवॉल्व भी किए। रिवॉल्व भी कर दिए जी सर। सीपीयू जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने ईएमएमसी और सीपीयू दोनों ब्लैक पेस्टेड निकाल लिया जी सर। चलिए, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर जी। इसके पहले कभी आप आईसी पे काम किए थे क्या? कभी नहीं सर जी। कभी नहीं किए थे जी सर। अच्छा, अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप बिल्कुल आ सकता है। आँख मीच के आए। आँख मीच के आए। अगर अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो जरूर आए। अच्छा, अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ पे बस ऐसे थ्योरिकल दे दिया जाता है, थ्योरी बता दिया जाता है? नहीं, पहले बताया जाता है फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल कराया जाता है कि बस ऐसे थ्योरी दे के आपको क्लास से घर भेज दिया? दोनों चीज होता है, दोनों चीज। अच्छा, थ्योरी आज वो प्रैक्टिकल कल कराया जाता है? नहीं नहीं, एंड टू एंड पहले थ्योरी बताएंगे थोड़ा प्रैक्टिकल कराएंगे। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए, आपके मुझे मिलेगा क्या? झूठ बोल के मिलेगा क्या? आपके चेहरे की स्माइल ही बोल रही है कि मतलब आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत। यहाँ पे टीचर जो है उनका नॉलेज कैसा है? बहुत अल्टीमेट। अल्टीमेट है जी सर। आपको सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं, मुझे क्या। अच्छा, हमारे सर है, बोलते हैं कि हम चाय वाले, चाय बनाने वाले को भी सिखा देंगे। बिल्कुल सिखा देंगे। ऐसा है या नहीं? तरीका ही ऐसा है सर का बताने का। तरीका ही ऐसा है सर का बताने का कि चाय वाला भी सीख जाएगा। चाय वाला भी सीख जाएगा? सीख जाएगा। चलिए, अगर वो हमारे हिसाब से चलेगा अगर, तो हिसाब से चलेगा अपना तो, दिमाग लगाएगा तो फिर तो नहीं सीख पाएगा। तो नहीं सीख पाएगा। अगर हम लोग क्या बोलते हैं इधर कि आप जीरो से सीखिए जी सर। तो अगर आप जीरो से सीखेंगे तो ही सीख पाएंगे या फिर अपना जीरो से सीखेंगे तभी सीख पाएंगे अच्छी तरीके से? चलिए ठीक है। इसके पहले आप कभी काम करते थे या नहीं? जी नहीं सर। इसके पहले बिल्कुल आप फ्रेशर थे? बिल्कुल फ्रेशर थे। चलिए, देख सकते हैं कि आप ये फ्रेशर थे और ये ब्लैक पेस्टेड पे आज के डेट में काम कर रहा है सर जी। ये ओप्पो वीवो रियलमी का जो भी ब्लैक पेस्टेड होता है, कोई भी हो आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए जी सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कमलेश है, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। अभी आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाला था। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाल रहे हैं जी, दिखाइए जरा। अच्छा, सीपीयू का तो कोई बॉल नहीं गया क्या? फोन का कोई बॉल गया है क्या? हाँ, फोन का एक दो गया है। एक दो गया है तो वो लाइन है या फिर एनसी है? एनसी भी है, रैंड भी है उसमें। क्या हुआ? एनसी भी है। एनसी भी है जी। और लाइन? रैंड भी है उसमें। लाइन भी है। अच्छा, एक बात बताइए, लाइन उखड़ जाए आपकी तो क्या उसका ट्रिक बताया गया कि कैसे पता चलेगा वो लाइन है? कई कई ऐसे बोर्ड होते हैं जिनमें लाइन दिखता है जाते हुए, और जिसमें ना दिखता हो लाइन, उसके लिए क्या उनको बताया गया ना चार्ट? उसमें आपको बताया गया? बताया गया है डायग्राम में आपको। चलिए, बताया गया है कि आपका मतलब ये लाइन काम का है और ये एनसी है और ये ग्राउंड है, ठीक है? ये चीजें आपको बताई गई है जी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास डायग्राम ना हो
तो आप उसको पता कर पाएंगे कि नहीं कि ये लाइन है कि नहीं है? नहीं पता कर पाएंगे, वो भी उसका बताया गया। आपको ट्रिक बताया गया कि कैसे पता चलेगा कि लाइन है कि नहीं है? जी सर बताया गया है। बताया गया तो समझ में आ रहा है अभी? जी सर आया। अभी तक का जो बात करें हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, अभी आपका एमएमसी का चौथा दिन चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि एमएमसी में आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई? नहीं सर, जो बताया पूरा समझ में आया है। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है? जी सर, पेड़ के बताया जा रहा है, बताई जा रही है। तो ऐसा नहीं बस थ्योरी बता दिया जाए आपको, प्रैक्टिकली आप ना कर रहे हो? नहीं नहीं सर, दोनों साथ में चलता है, थ्योरी भी चलती है पेड़ के भी चलता है। चलिए, मतलब प्रैक्टिकल भी आप कर रहे हैं? जी सर। चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, सारी चीजें आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, आपके चेहरे की स्माइल भी बता रही है कि मतलब आप काफी खुश है। जी, अगर आप वहाँ से जाना चाहें तो आप क्या बोलेंगे उनके लिए? जी, वो आ सकता है जब कुछ सीखना हो तो उसको। चलिए, जिस स्माइल से आप बोल रहे हैं उसी स्माइल से वो आने के बाद सीखने के बाद जा सकता है? जी जी, उससे ज्यादा स्माइल आएगा। अच्छा, आपसे ज्यादा स्माइल करेगा? जी सर। ऐसा क्यों? सीख के जाएगा तो स्माइल आएगी ना सर अच्छी सी। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया। सर ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Doctor. Thank you.